अस्सलाम वेलकम बैक टू बिट्स ऑफ माई लाइफ। तो आज की वीडियो आपको टाइटल से भी आइडिया हो गया होगा कि आज मैं आपके साथ जो मैंने रीसेंट मेरा ज्वेलरी हॉल है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये एक्चुअली मेरा कैजुअल ज्वेलरी भी थी इसके अंदर और फॉर्मल जो मैंने इवेंट पे यूज़ करनी थी वो भी थी। तो वन बाय वन मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये एक्चुअली मैंने ऑर्डर नहीं की या मैंने खुद नहीं बाय की, ये मैंने ब्राइड एंड ग्रूम के लिए गिफ्ट्स ऑर्डर किए थे तो उसके साथ मुझे उन्होंने ऑप्शन दी थी फ्री गिफ्ट सेंड करने की। तो एक रेजर्स थे और एक उन्होंने कहा था आप कुछ और सेलेक्ट कर सकते, तो मुझे ये स्टड्स चाहिए थे तो मैंने ये सेलेक्ट कर लिए थे। तो ये मैं आपको ऐसे शो करवा देती हूँ, होपफुली आपको क्लियरली दिख रहे होंगे। एक नॉर्मल स्टड्स हैं, एक क्राउन बना हुआ है और एक जो आजकल डक्स चल रही हैं उस टाइप की ये ईयर स्टड्स हैं। ये हो गए और इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें ये काफ़ी सारी है। ये मैंने एवरीडे के लिए भी ली थी, ये मोस्टली एवरीडे वाली है क्योंकि मेरे जो पहले वाले ईयर स्टड्स थे मैं मोस्टली आर्टिफिशियली पहनती हूँ। गोल्ड वाले मेरे थे, उनमें से एक एक पेयर उनका गुम हो गया तो वो नहीं मैं पहन रही, तो फिर जो है मैं आर्टिफिशियल यूज़ कर रही हूँ। वो वाले मेरे ख़राब हो गए थे, प्लेटेड वाली थे बट उनका टाइम होता है ख़राब हो जाते, तो फिर मैंने ये बाय कर ली थी। ये एक्चुअली मैंने चूर में रावलपिंडी चूर में जो एक शॉप है वहाँ पे अक्सीर प्लाज़ा है, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली कि क्या कौन सा प्लाज़ा, उसके बेसमेंट में एक शॉप है नाम मैंने कभी, एक्चुअली मैं आपको बताऊँ मैंने चूर से मैं ट्रस्ट नहीं करती, मैंने कभी बाय नहीं की, बट वहाँ की ज्वेलरी मैं आपको बताऊँ अमेजिंग है, ट्रस्ट मी बहुत अच्छी ज्वेलरी है वहाँ पे। और मैंने पहले भी उनसे एक ब्रेसलेट लिया था, वो मेरा सही रहा तो मुझे ट्रस्ट डेवलप हो गया, तो मैंने अभी भी वहाँ से ली है। मतलब जो आपको सेंटोरस में जिस टाइप की चीज़ें मिलती हैं ना एक्सट्रीम प्राइसेस में, वो आपको लेस प्राइसेस में मिलेंगी। अब ये जितने भी मैंने लिए हैं 300, 400, 450, नॉट मोर देन दैट, ठीक है। ये सारी इनकी रेंज ही थी और ये प्लेटेड वाली है, मैं यूज़ भी कर रही हूँ तो मैं आपको दिखा देती हूँ। इसमें एक्चुअली सबसे पहले मैं आपको ये वाले ईयर स्टड्स दिखाती हूँ, ये उन्होंने मुझे चांदी के बोल के दिए हैं। आई एम नॉट श्योर कि एग्जैक्टली चांदी है क्योंकि इसकी प्राइस 300 या 350 थी। बार्गेनिंग भी थोड़ी बहुत चलती है, इतनी ज़्यादा नहीं चलती जब आप ज़्यादा चीज़ें लें। और ये मैं क्लोजली भी आपको ट्राई करूँगी, आपको शो करवा दूँ। तो एक ये पेयर लिया था मैंने, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आई हैव 4 पियर्सिंग्स इन माई ईयर, तो मुझे उसके लिए चाहिए थी। सबसे टॉप पे पहनने के लिए मैंने हिलेक्स, आई थिंक सो कहते हैं हिलेक्स इस तरह का कुछ, वहाँ पे पहनने के लिए मैंने ये वाले लिए थे। इसका पेयर अभी मैंने पहना है, जस्ट ये मैंने उतारा आपको दिखाने के लिए। इसी के साथ का एक वाइट कलर में लिया है, वो मैंने नीचे पहनने के लिए उससे नीचे वाले साइड पे। और फिर एक फ्लावर वाला लिया, वो मैंने एक्चुअली पहना हुआ है, वो मैं उतार नहीं सकी क्योंकि मेरे नेल्स भी हैं, तो मेरे लिए उतारना और फिर पहनना, वो जैसे गोल्ड के होते हैं ना स्टार पीछे से उनको ऐसे रिंग टाइप की एक स्टॉपर होता है वो लगता है, वो वाला है, तो वो दिखने में ऐसे ही लगते हैं जैसे गोल्ड के हैं, वो भी अच्छी हैं, ठीक है। एक ये हो गया, मैं साइड पर कर लेती हूँ, घूम नहीं जाए। उसके बाद मैंने ये भी मैंने पहने हुए थे बट ये ईजी थे उतारने, तो मैंने कहा आपको शो करवा दूँ ये वाले। ये अब जितने भी हैं मैंने आपको पहले बता दिया 300, 400 और 450, इससे ज़्यादा नहीं थे, मुझे सबकी सेपरेटली याद नहीं है बट ये मैं आपको दिखाती हूँ। एक्चुअली मेरे नेल्स हैं ना जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा उनको पकड़ने में प्रॉब्लम हो रही है। ये देखें ये इस तरह के हैं, ये बाली टाइप के जैसे होता है ना हुप सा, तो ये वो है, ठीक है। ये सिल्वर में है, इसका भी भाई ने मुझे बताया था कि इनके कलर्स जो हैं वो इजीली ख़राब नहीं होते, ये भी आप एवरीडे यूज़ करें। सारे मैंने उनसे पूछ के लिए थे तो उन्होंने बताया था कि एवरीडे यूज़ वाले हैं। ये हो गए, फिर इसी तरह के मैंने लिए हैं गोल्डन कलर में, ये देखें ये वाले, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये एग्जैक्टली वैसे ही हैं बट इनका साइज़ छोटा है और ये गोल्ड में है, तो ये मैंने ना अपने सेकंड वाले में पहनने के लिए लिए हैं कि ये थोड़े छोटे साइज़ के हैं ना, तो इस तरह के मैं पहनती हूँ सेकंड नंबर पे जो है मेरा उसमें। ये मैं आपको क्लोजली दिखा दूँगी कि ये किस तरह के दिखते हैं, ठीक है।
ये भी अच्छे हैं। नेक्स्ट एक बड़े मज़े की चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, ये आपको मे बी आइडिया हो गया। और ये उस टाइप के हैं जो आप इनको फ्रंट से पहनते हैं और ये पीछे आता है, तो पीछे से जब आपके ईयर पे ना पहनते हैं तो जस्ट नीचे ये दिख रहा होता है। होपफुली आपको मेरी बात समझ आ गई हो। ये वो वाले हैं, मुझे इनका नाम नहीं पता कि इनको क्या बोलते हैं, तो भाई ने मुझे बताया था कि ये निकाल के आप सेपरेटली भी ये पहन सकते हैं और इसके साथ भी पहन सकते हैं। अगर आपने थोड़े से ऐसे किसी इवेंट पे, फंक्शन पे जाना हो या ऐसे ही कैजुअली भी जाना हो तो आप ये पहन सकते हैं। ये पीछे से आएगा ना, ये पीछे जाता है, ये चीज़ पीछे आती है, तो जब आप पहनते हैं तो ये कान के ना नीचे इस तरह से ये शो होता है, तो ये बहुत प्यारा लगता है। ये भी बहुत प्यारे हैं और अभी तक मुझे आई थिंक सो 2 वीक्स हो गए हैं पहनते हुए, तो कलर्स जो हैं मैंने हर वक्त पहने होते हैं लेकिन यह कि कलर्स उनके ख़राब बिल्कुल भी नहीं हुए। उसके बाद ये भी एक स्टड्स हैं, तो ये उन्होंने मुझे कहा था भाई ने कि ये वाले अच्छे हैं ले लो, फिर इनकी प्राइस भी इतनी ज़्यादा नहीं थी तो फिर मैंने ये भी ले लिए। ये भी मैंने पहने नहीं हैं, ये सिंपल से हैं, इसके अंदर कोई स्टोन वगैरह नहीं है, प्लेन है। ठीक है, एक ये हो गए इस तरह के, ये मैं अंदर डाल दूँ ताकि घूम नहीं जाए। फिर ये वाली जो रिंग है ये मैंने ऑर्डर की थी बहुत पहले, आई थिंक सो नवंबर के एंड में मैंने ऑर्डर की थी और ये मुझे जनवरी के या आई थिंक सो फेब में मिली थी। ठीक है, ये द वेलवेट बॉक्स जो मैंने आपको पहले भी बताया उनसे मैं लेती रहती हूँ, तो ये वाली भी जो है, ये वाली, ये मैंने उन्हीं से ली थी। तो ये मैंने ऑर्डर कर दी थी, ये काफ़ी टाइम बाद मुझे रिसीव हुई है। इसका डिज़ाइन मुझे बहुत अच्छा लगा था, ये देखें, ये जैसे सिल्वर की, रियल सिल्वर की आती हैं उस टाइप की है। पर एक इसमें मुझे प्रॉब्लम ये दिखा कि ये ना एडजस्टेबल रिंग है, और पता नहीं क्यों मुझे एडजस्टेबल रिंग्स मुझे नहीं पसंद, मुझे ऐसे फील होता है जैसे वो चीप सी लुक आती है, उनसे चीप सी गाइब आती है, एक ये प्रॉब्लम था। इस तरह की रिंग्स मुझे वैसे पसंद है, जो इसकी चीज़ चौड़ी होती है ना, ये चीज़ वो बहुत अच्छी लगती है। फिर इसके ये स्टोन्स लगे हैं बहुत प्यारी, बट आप गेस करिए मुझे कितने की मिली है। ये मुझे डिलीवरी चार्जेस के साथ 2750 की मिली है, और देखें क्वालिटी वाइज ठीक है, बट दिस इज़ सो लाइट वेट और मैंने ऐसी एक्सपेक्ट नहीं की थी। एक्चुअली मैं अब आपको बताऊँ, ये वाली मैंने 2-3 जगह पे और ऑनलाइन इंस्टाग्राम पे मैंने देखी है, और सबसे लो प्राइस इसकी मैंने 1200 में देखी है, तो ऑब्वियसली वो सेम होगी। तो अगर आपको चाहिए हुई तो आप यहाँ से लेने की बजाय आप कम प्राइस में ले सकते हैं। मुझे इसका बहुत अफसोस हुआ था, ये मुझे पसंद आई थी, ये वाली प्राइस इसकी बहुत ज़्यादा है। जिस तरह की इसकी क्वालिटी है ना, लाइट वेट है, तो इसकी प्राइस इतनी नहीं होनी चाहिए थी। द वेलवेट बॉक्स इंस्टाग्राम पे पेश है, वैसे उनकी रिंग्स अच्छी होती हैं, और मैं आपको बताऊँ उनके मुकाबले में एक और पेज है एच के एक्सेसरीज इंस्टाग्राम पे, उनके पास ऑलमोस्ट मिलती जुलती उन्हीं के टाइप की कई रिंग्स तो ऐसी हैं जो सेम सेम दोनों पे हैं, और 500-600 के प्राइस के डिफरेंस से एच के एक्सेसरीज पे कम रेंज में मिलती हैं, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। ये वाली एच के पे नहीं थी तो मैंने वहाँ से बाय कर ली, बाद में मैंने इसको इतने कम प्राइस में देखा तो मुझे लगा शायद क्वालिटी डिफरेंस होगा, बट जब ये मेरे पास आई है तो मुझे आइडिया हो गया। इसमें मुझे पहले से नहीं पता था कि ये एडजस्टेबल है, वो वाली 1200 वाली जो मैं बता रही हूँ वो एडजस्टेबल है, उसका मुझे वो फोटोज़ में शो हो रहा था, इसका नहीं मुझे पता था। बट अगर देखा जाए प्राइस के हिसाब से महंगी है, बट ये मुझे पसंद बहुत आई है, अच्छी है, देखें पहन के ये बहुत ही अच्छी लगेगी। अब मैं आपको जो मेरी चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ वेडिंग इवेंट वाली। ठीक है, इवेंट पे मैंने बारात पे एक्चुअली जो मैंने लिया था वो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये थे ये वाले इयररिंग्स थे, ये आपको देखिए मैं ऐसे दिखाती हूँ, देखिए, क्योंकि मेरा ड्रेस जो था वो बारात का इस कलर का था, तो फिर मैंने इसके जो है वो पर्ल्स चेंज कराए थे। ये मैंने मोती से ली थी, आई थिंक सो 2500 की उन्होंने बताई थी, 2000 मैंने पे किए थे, और साथ ये टीका है, ये देखिए ये भी बहुत प्यारा है। मुझे एक्चुअली ऐसा ही पर्ल्स वाला कुछ लेना था, मुझे सब ने कहा कि ये मेहंदी पे अच्छा लगता है और इस तरह की चीज़ मेहंदी पे, लेकिन मुझे बारात के साथ कुछ इस टाइप का चाहिए था,
तो फिर मैंने ये ले लिया और ये पहन के बहुत अच्छा लग रहा था। एक तो इसमें बिल्कुल लो क्वालिटी वाले भी आते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं आपको बता रही हूँ, तो उनकी लुक से ही आइडिया हो जाता है, बट ये अच्छे हैं, ये प्राइस वाइज ये अच्छे हैं और ये थोड़े डिफरेंट हैं। जो नॉर्मली मोती में मैंने देखे हैं हर शॉप हर छोटी छोटी जगहों पे मिल रहे होते हैं, उनकी लुक ही नहीं अच्छी आ रही होती। ठीक है, ये मैंने पहने थे बारात पे। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, मुझे ना एक्चुअली मैंने पहनी थी वलीमा पे साड़ी, तो साड़ी के साथ मुझे इस टाइप का सेट मैं बहुत टाइम से ढूंढ रही थी और ये एक्सपेंसिव ही होते हैं, इनको 1 कैरेट का बोलते हैं, 1 कैरेट के ये सेट्स होते हैं। मोती में तो आप बहुत नॉर्मली अच्छी शॉप्स पे हर जगह पे मिल रहे हैं, उनकी प्राइसेस 6,000, 7,000, 8,000 तक भी जाती है होते हैं। ये लाइट वेट हैं, लुक भी इनकी बहुत ही डिसेंट एंड एलिगेंट होती है, तो मुझे इसी टाइप का कुछ चाहिए था। ये देखिए, अब आपको आइडिया हो गया होगा कि ये नेल्स और ये मैचिंग है, मतलब कि मेरा इस कलर की साड़ी थी। तो ये फिर मुझे बारगेनिंग कर करा के 4,000 का ये मुझे मिला था, बट इसकी लुक वही इस तरह के सेट्स ना, मैं इस तरह के सेट्स की फ़ैन हूँ, मुझे ऐसे सेट्स पसंद हैं लाइट से डिसेंट एंड एलिगेंट। मेरे लिए एक्चुअली यूके से भी इस तरह के एक दो मुझे काफ़ी पहले की बात है गिफ्ट्स आए थे व्हेन आई वाज इन कॉलेज में भी, तो उस वक्त से मुझे ऐसे ही पसंद हैं लाइट वेट और सिंपल से। ये इसका नेकलेस हो गया, ये देखें बिल्कुल लाइट वेट से इसके इयररिंग्स हैं इस तरह से, ये देखें। और इसके साथ जो है वो बिंदिया भी थी ऐसे, बट ये है कि मेरा हेयर स्टाइल ऐसा था तो मैंने ये लगवाई नहीं थी। ये हो गया, अब मैं आपको दिखाती हूँ लास्टली जो मैंने चीज़ ली थी वो मैंने ये स्टाइलो से मुझे मिल गया था, ऐसे ही मैं देख रही थी उनके पास ज्वेलरी पे सेल्स चल रही थी, तो मुझे साड़ी के लिए दूसरे हाथ में पहनने के, एक में मेरा ब्रेसलेट था जो मैंने आपके साथ पहले शेयर किया हुआ है, थिंक सो किया हुआ है, तो फिर मुझे ये कुछ इस टाइप का चाहिए था कि एक जैसे ऐसी कोई बैंगल मिल जाए या कुछ, तो वैसे तो इनकी प्राइस, आई डोंट नो ये ओपन क्यों नहीं हो रहा, वैसे तो इनकी प्राइस जो है वो होती है 3,000, 3,500, बट ये सेल में था और मेरे साइज़ का भी था, तो आई थिंक सो ये मुझे 1,400 या 1,500 का मिला है, इस रेंज में मुझे मिल गया था। ये देखें ये इस तरह से है, अभी मैंने ऑलरेडी पहना हुआ है, मैं फिर भी आपको दिखाती हूँ पहन के ये कैसा लगता है, तो ये देखें इस तरह का था। इनके पास इसमें ज़्यादा चॉइसेस नहीं थी, एक एक दो दो रह गए थे तो उनके पास ऑफ़र में थे, कलर्ड वाले भी थे लेकिन वैसे ही जैसे सेट था, बट उनमें कोई इतना मज़ेदार मुझे नहीं लगा, ये मुझे अच्छा लगा था तो फिर मैंने ये बाय कर लिया था। तो ये थी मेरी सारी ज्वेलरी जो एवरीडे की भी थी और वेडिंग की भी थी, इवेंट की, तो वो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। तो होपफुली आपको ये सारी मेरा ज्वेलरी हॉल पसंद आया होगा, अभी भी मे भी कुछ चीज़ें स्किप होगी और मेरे माइंड में भी नहीं है, तो आहिस्ता आहिस्ता मैं आपके साथ सारी ज्वेलरी कलेक्शन, आगे भी मेरे माइंड में है क्योंकि मैं जब भी फ्री होती हूँ या मेरे पास कोई टाइम ऐसा होता है तो मैं ऑनलाइन इंस्टाग्राम पे ही एड्स आती रहती हैं, तो उसमें जाके चेक करती रहती हूँ, अभी मुझे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो पसंद आई हुई हैं, तो मैं क्योंकि अभी शादी की इतनी शॉपिंग की है तो मैं आहिस्ता आहिस्ता लूँगी इंशाल्लाह, फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करनी है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, और मैं लिंक नीचे हमेशा देती हूँ इंस्टाग्राम का, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, तो वहाँ पे मैं इससे भी ज़्यादा एक्टिव वहाँ पे होती हूँ, तो आपको सारी मेरी लाइफ अपडेट्स पता चलती रहेंगी। सो ओके, अल्लाह हाफिज़।